हेलो एंड वेलकम टू द स्टूडियो ट्रेडर्स आज हमने टाटा स्टील को ट्रेड किया था इसको हम लोअर एंड हायर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम पर देखिए जैसे डेली टाइम फ्रेम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हमने टाटा स्टील को आज के दिन पकड़ा था मार्केट साइडवेज थी जरूर साइडवेज थी बट टाटा स्टील ने जिस रेंज को वॉल्यूम के साथ कन्फर्म किया था मॉर्निंग में एक बहुत अच्छा कन्फर्मेशन हमको मिला था लोअर टाइम फ्रेम के अंदर सो हायर टाइम फ्रेम पर जो टारगेट्स हमने लगाए थे हमें वो अचीव हुए बट प्राइस उसके भी नीचे की दिशा में चला गया अब ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है निफ्टी फिफ्टी में भी देखिए ये वाली एक रेंज थी और एक ये वाली रेंज थी ये दोनों ही रेंज इंपॉर्टेंट थी प्राइस इसके ऊपर गया है और ऊपर से रिजेक्ट होकर के डाउन साइड की तरफ गिर गया बट ये गिरी यहाँ तक थी मेरा मानना है कि कल मार्केट अपना गैप पूरा का पूरा फुल करेगा और जो टारगेट्स आज अचीव नहीं किए वो कल अचीव कर सकता है जल्दी से अपनी बुक हम लोग देख लेते हैं ओके एंड लॉग इन करते हैं जल्दी से प्री लॉग इन परफेक्ट एंड वन क्लिक पोजीशन बुक देखते हैं यहाँ से हम लोग अपनी पोजीशन बुक परफेक्ट ओवरऑल जो अपना आज का प्रॉफिट था टेन थाउजेंड रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट है एक बार अपने पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं जल्दी से सो परफेक्ट ठीक है टेन थाउजेंड रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट आज आज हमने मार्केट से अचीव किया अपना जस्ट इसका डबल प्रॉफिट हमको लास्ट के कैंडल्स में दिख गया था ऑर्डर बुक देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से हम लोग अपनी फाइव सेवेंटी वन क्वानिटीज़ के साथ हमने यहाँ पर अपना एक पोजिशन एक्टिव की थी शॉर्ट साइड की तरफ पोजिशन जो हमने ली थी थी एक हज़ार एक सौ पाँच सौ पैंतीस पैसे पर हमने अपनी एंट्री ली थी स्टॉप लॉस टारगेट्स वगैरह सब कुछ भी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके अंदर के एंड टारगेट्स हमने इसके अंदर बुक किए थे एक हज़ार छियासी रुपए एट्टी फाइव पैसे पर अपने सभी टारगेट्स बुक कर लिए थे सो okay. ओवरऑल so, आज का अपना ट्रेड यही था एंड अब आगे की दिशा में हम लोग जो वर्क करेंगे अपना प्राइस एक्शन के ऊपर हायर एंड लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस को देखेंगे पोजीशन बुक में परफेक्ट ठीक है टेन थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट ठीक ठीक ठाक प्रॉफिट हमको और एक जेन्यन प्रॉफिट आज के दिन मार्केट से हमने अचीव किया ओके okay, एंड अब चलेंगे चार्ट्स के ऊपर सीधे और चार्ट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम जैसा कि हम लोगों का प्रोसेस है हम लोगों का अपना ट्रेडिशन है लोअर एंड हायर टाइम फ्रेम पर प्राइस को एनालाइज करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या एंट्रीज स्टॉप लॉस टारगेट्स वगैरह सब कुछ थे ओके okay, सो so ये अपना एक हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम हम लोगों ने यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लिया है अभी देखिएगा एक चीज़ जितनी भी मार्किंग्स है यहाँ से हम लोग अपने डिलीट कर देते हैं ओके एक भी मार्किंग हमारी यहाँ पर शेष नहीं रह गई है हमने क्या बताया था आपको कि भले ही हम आज के दिन इसको ट्रेड कर रहे हैं बट हमें ओवरऑल इसकी एनालिसिस करनी होगी कि प्राइस किस रेंज से उठ करके अप साइड की तरफ गया किस रेंज से डाउन साइड की तरफ आया है कहाँ से अप साइड की तरफ गया है कहाँ से लो साइड की तरफ आया है अब देखिए यहाँ से जब हम इसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो एक जो हमको इसका लोवेस्ट पॉइंट मिलता है ये वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट इससे पहले ये वाला है हम यहाँ से इसको उठाते हैं एक लो था और अगेन एक ये हमारा हाई था लो था एक हाई लो हाई एंड लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई एंड और अभी हमें नहीं पता है प्राइस ये कहाँ तक मूव कर सकता है हमें इसका अंदाज़ा नहीं है सो so, हमारे पास ओवरऑल क्या है कि इतने पॉइंट्स निकल करके आए इतने सारे चेक पॉइंट्स निकल करके आए कि जहां से हम प्राइस को पढ़ सकते हैं पकड़ सकते हैं उसको रीड कर सकते हैं तो एक पॉइंट हमारा हमको ये वाला मिलता है क्योंकि ये एक स्विंग है यहीं से प्राइस हमारा डाउन से अप साइड की तरफ गया था इसकी और भी ज्यादा एडवांस एनालिसिस जैसे कि यहाँ पर तो हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं इन शॉर्ट आप सब बस इतना समझ सकते हैं कि एक सपोर्ट पॉइंट है यहाँ से प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ गया था बहुत ज़्यादा इसकी डीप एनालिसिस डीप इन द सेंस कि और अच्छी तरह जब से जब समझते हो तो थोड़ा सा समय यहाँ पर हमको ज़्यादा देना पड़ता है क्लासेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि, कि किस तरह से प्राइस को यहाँ से हम रीड कर सकते हैं कैसे पकड़ सकते हैं कैसे इसके इंपॉर्टेंट जोन को मार्क करके काम किया जा सकता है जैसे ये वाले जोन है यहाँ पर और क्या कन्फर्मेशन हमको चाहिए बहुत सटीक काम करते हैं और बहुत अच्छी रेंज से ये लेवल्स काम करते हैं अपने अब जैसे यही देखिए आप यहाँ पर एक सपोर्ट हमने मार्क कर लिया प्राइस आज जो गिरा है उसने अपनी इसी रेंज को इस जोन को ही एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट किया ये वाली कैंडल जब आप देखेंगे सेकेंड ऑफ जुलाई की कैंडल है सेकेंड ऑफ जुलाई को मार्केट ने इस रेंज से सपोर्ट लिया था यहां से अपसाइड की तरफ चली गई थी प्रीवियस टू प्रीवियस डे के सेशन में देखिए प्राइस ने अपनी रेंज के नीचे की दिशा में क्लोजिंग की थी प्राइस ने क्या किया नीचे की तरफ क्लोजिंग की एक रिट्रेसमेंट दिखाया अपनी रेंज से अपने जोन से और वापस से प्राइस डाउन साइड की तरफ आया प्रीवियस टू प्रीवियस रेंज का लो ब्रेक किया और कल का भी लो ब्रेक कर दिया उम्मीद नहीं थी कि प्राइस इतना बड़ा मूव देगा इसलिए हमने क्या किया था कि आधे रास्ते में अपने टारगेट्स को बुक कर लिया था अब सिर्फ इस लाइन को याद रखिएगा डबल वन थ्री जीरो पॉइंट टू जीरो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब हम चलते हैं वापस से फाइव मिनट्स के टाइम फ्रेम पर फाइव मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जब हम कल के एक्शन को रीड करते हैं तो कल का एक्शन क्या बोलता है हमको कि प्राइज यहाँ से अप साइड की तरफ गया था यहाँ से प्राइस अप साइड की तरफ गया था और उसके बाद से प्राइस अपने हाईज़ को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है और लो को ब्रेक करना शुरू कर देता है एक तो ये रेंज बनती है हमारी जहाँ से प्राइस ने एक लो लगाया था कल के प्राइस एक्शंस को जब हम रीड करें तो वापस देखिए कल की मार्केट ने जो लो लगाया था इस वाली रेंज पर लो लगा देने के बाद में एक लो हमारा ये वाला लगा था कल की दो बजकर तीस मिनट की कैंडल के पर लो लगा देने के बाद में प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ चला गया और आज ये देखिए तीन तीन लाइन्स हो गई इन एक एक लाइन्स को याद रखिएगा डबल वन थ्री जीरो पॉइंट टू जीरो हाई टाइम फ्रेम की रेंज है इसको हम अलग कलर से मार्क करते चलिए ब्लैक कर देते हैं ये कल के स्विंग्स हैं हमारे इसको हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं ये कल के स्विंग्स हमने मार्क कर लिए और कल में जो सबसे लेटेस्ट हमारा स्विंग लगा था जो कल का सबसे बड़ा स्विंग था वो ये वाला था अब देखिए आज की मार्केट ने क्या किया है अगर इसको अप साइड की तरफ जाना था तो अपने हाई इसको ब्रेक करके ये अप साइड की तरफ चली जाती और अगर डाउन साइड की तरफ गिरना है तो अपनी इसी रेंज को ब्रेक करके प्राइस डाउन साइड की तरफ चली जाएगी आज मार्केट ने क्या किया कि अपनी जो ओपनिंग है रेंज के अंदर दी अब अगर यहाँ से प्राइस अपसाइड की तरफ निकलता तो हम इसको बाई भी कर सकते थे बट सेंटिमेंट्स कुछ इस तरह थे थे के थे मार्केट के कि हमें इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग ही ढूंढ ली थी अब टाटा स्टील को हमने अपने पास रखा सिर्फ शॉर्ट सेल करने के लिए जब जब हमें इसके अंदर मौका मिलेगा हम इसको शॉर्ट करेंगे इसके अंदर सेलिंग करने की ही कोशिश करेंगे अब ये कन्फर्मेशन किस तरह से ली जाएंगे इसके अपने अलग हायर टाइम फ्रेम के मार्किंग्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग टाटा स्टील क्या कर रहा है अपने सपोर्ट्स को ब्रेक कर रहा है हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करने की ही कोशिश करेंगे यहाँ से प्राइस ने देखिए क्या क्या है कि अपने सपोर्ट्स को ये वाली जो हमारी रेंज है यानी कि कल का जो स्विंग लो था हमारा उसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया इस वाली रेंज पर अब प्राइस ने अपने लोज को ब्रेक कर दिया यानी कि पूरी तरह से प्राइस अपने सपोर्ट्स को ब्रेक कर चुका है अब हमें इसके अंदर यहाँ पर अपनी एंट्री लेनी थी प्राइस देखिए अब से जब ये डाउन साइड की तरफ गिरा है हाई से एक लो लगाया लो लगा देने के बाद में एक हाई है अगेन ये वाला लो है एक ये हाई है और वापस देखिए प्राइस यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पर जो हमारे लोज लग रहे हैं अब इन स्विंग्स के ऊपर थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा प्राइस ने क्या किया है क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग लगा था हमें क्या करना था इस वाली कैंडल के आसपास अपनी एंट्री लेनी थी ये वाली जो रेंज है अपनी डबल वन जीरो फाइव पॉइंट जीरो फाइव यहाँ से प्राइस जब अप साइड की तरफ जाने लगा था ये पॉइंट ये रिट्रेसमेंट का पॉइंट अपना एंट्री की जगह बनी थी हमने क्या किया था कि जस्ट तीस पैसे का इसके अंदर बफर लगाया था और तीस पैसे पर आकर के यहाँ पर अपनी हमने अपनी एंट्री ली थी जस्ट तीस पैसे पर ग्यारह सौ पाँच रुपये पैंतीस पैसे की कैंडल इसके अंदर जो हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया जस्ट अब क्योंकि स्विंग्स ये वाले लगे थे यहीं पर मार्केट ने इस वाली कैंडल के थ्रू अपना एक स्विंग लगाया हमने क्या किया कि थोड़ा सा बफर दे दिया इसके अंदर और ग्यारह सौ आठ रुपये पचासी पैसे का पचास पैसे का इसके अंदर बफर दिया यहां पर अपने स्टॉप लॉसिस लगाए थे लोअर टाइम फ्रेम पर आकर के इस तरह से यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉस और टारगेट्स को लगाया एंट्रीज के बाद में अब बारी आती है टारगेट्स की तो टारगेट्स के लिए हमने क्या किया था कि कल प्राइस जिस रेंज से अप साइड की तरफ शिफ्ट हुआ था इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कल प्राइस डाउन साइड की तरफ देखिए गिरा है गिर जाने के बाद में यहां से अचानक से इसके अंदर एक बाउंस आया था और प्राइस अप साइड की तरफ घूम गया था हमने क्या किया था कि ये जो ओपन प्राइस था ये वाला जो ओपन प्राइस था इस वाली कैंडल का हमने जस्ट इसके अप साइड में जा करके अपनी एंट्री लगाई थी यहाँ कहीं अपनी टारगेट्स uh, लगाए थे सॉरी ये अपने टारगेट्स के पॉइंट्स थे हमने क्या किया था कि जस्ट ये वाले जो लो लगा थे इसके बाद में प्राइस अप साइड की तरफ चला गया था लगाने को जो हमारे टारगेट्स थे आज जो मार्केट गिरी है एग्जैक्ट इस रेंज से भी नीचे की तरफ गिरी लेकिन हमें नहीं मालूम था कि प्राइस यहाँ तक गिर जाएगा तो हमने वन पर अपने सारे टारगेट्स बुक कर लिए थे तो ओवरऑल जो आज का अपना रेशियो निकला था वन रेशो फाइव के आसपास का हमने इसके अंदर अपने टारगेट्स बुक किए थे बट प्राइस ने देखिए हम निकले हैं निकल जाने के बाद में इसके अंदर दो तीन कैंडल्स बनी हैं यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और अचानक से नीचे की दिशा में गिर गया अनएक्सपेक्टेड था कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि प्राइस नीचे की दिशा में गिर जाएगा अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें एक्सपेक्टेड नहीं है तो प्राइस नीचे गिरेगा ही नहीं वो गिर गया ओके तो ओवरऑल जो आज का अपना हायर एंड लोअर टाइम फ्रेम की प्राइस की एनालिसिस थी वो ये वाली थी आप लोग एक काम कीजिए जिस भी स्टॉक को आप ट्रेड कर रहे हो या जिस भी स्टॉक के अंदर आपके स्टॉप प्रोसेस के उसको आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखो कोशिश करेंगे जो कि वीडियो हम बनाते हैं जो अपनी एनालिसिस की वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं उसमें आपके स्टॉक को थोड़ा बहुत हम डिस्कस करें कोशिश करेंगे पूरी कि आप में से जिनका भी अच्छा स्टॉक अच्छी एनालिसिस होगी उसको हम अपनी वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो भी स्टॉक आप ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉक का नाम एंट्री प्राइस स्टॉप लॉस प्राइस हायर टाइम फ्रेम पर आपने क्या देखा एंड लोअर टाइम फ्रेम पर क्या देखा इससे होगा क्या कि जो भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते हो उसको एग्जीक्यूशन में उसके एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी और परफेक्शन आपका आ सकता है और भी समझदारी के साथ आप काम करोगे तो जस्ट फॉर आपकी हेल्प यहाँ पर हम बेसिक लेवल पर आकर के कुछ एनालिसिस के अंदर करेंगे ओके सो थैंक यू एंड वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट्स कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सो so, अब हम लोग मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में इस वक्त तबीयत खराब है जिस वजह से पूरी अपना पूरा एफर्ट हम इसके अंदर नहीं लगा पा रहे हालांकि दिन अच्छा था कि हमें टाटा स्टील के अंदर हमने आज के दिन ट्रेड किया सो so, आज की दिन अपनी यही थी थैंक यू गुड बाय एंड